हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट्स, 2D NMR टेक्निक थी जो कि हमारी, अब हम आगे 2D NMR टेक्निक में करने वाले हैं बेसिफिकेशन एंड एसिडिफिकेशन। अब आप बेसिफिकेशन और एसिडिफिकेशन हम यूज़ करते हैं सोल्स के केसेस में। क्यों? क्योंकि जो सोल्स होते हैं हमारे सब स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा देते हैं। सब स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा देने का मतलब क्या है कि लो क्वालिटी स्पेक्ट्रा हमें मिलता है। लो क्वालिटी स्पेक्ट्रा में क्या हो सकता है, जैसे हमारी पीक नॉर्मल पीक ऐसे आनी थी, तो हो सकता है ये हल्की सी और ब्रॉड हो जाए, ऐसे होगी, या फिर हो सकता है हमें दिखे ही ना, या फिर हो सकती है पूरी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पतली पीक आ जाए कि हमें सिग्नल डिटेक्ट ही ना हो। तो हल्की सी ब्रॉडनिंग से लेके हो सकता है कि बिल्कुल पीक दिखे ना, पूरी अनअसाइनेबिलिटी हो जाए पीक के अंदर, ठीक है। लेकिन अब हम एसिडिफिकेशन या बेसिफिकेशन से करके क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रा शो हो सकता है हमारा। इसके केसेस में क्या करते हैं, बेसिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, बेसिफिकेशन करानी है हमने, कोई भी बेस डालेंगे। जनरली हम यूज़ करते हैं NaHCO3 या फिर कोई भी हाइड्रोक्साइड, उसको डाल लेंगे हम, ऐड करेंगे D2O के अंदर, तो हमारा, और फिर इसको जो हमने कंपाउंड एनालिसिस कर रहे हैं उसके अंदर डाल देंगे, तो हमारा स्पेक्ट्रा क्या होता है, क्लियर हो जाता है। वहीं अगर हमें एसिडिफिकेशन करानी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, DCl ड्यूटीरियम होता है ये, DHCl जैसे हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे DCl यूज़ कर रहे हैं, किसके अंदर, D2O के अंदर। बेसिकली यही है हमारा एसिडिफिकेशन और बेसिफिकेशन। अब कैसे क्लैरिफाई हो रहा है, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखिए, हमने ये कोई भी मॉलिक्यूल, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल कोई भी कंसीडर करके चल रहे हैं, इसके अंदर कितने सिग्नल्स आएंगे, एक ए इसका आएगा हमारे पास, ये बी, यहाँ वाले हाइड्रोजन का कंसीडर कर रहे हैं हम, ये सी मान रही हूँ मैं, ये डी मान रही हूँ और ये ई मान रही हूँ। अभी मैं इन दोनों का OH का और NH2 का कंसीडर करके यहाँ पे नहीं चल रही हूँ, ठीक है। ऐसे इसके अंदर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये ई। जब हम इनका स्पेक्ट्रा देखते हैं, ये हमारा कंपाउंड है नॉर्मल, ये हमारा सोल्ट है, इनका स्पेक्ट्रा देखते हैं हम कैसा ऑप्टेन होता है। ये हमारा नॉर्मल बेसिक कंपाउंड लिख लीजिए, जब हम नॉर्मल कंपाउंड का स्पेक्ट्रा देखते हैं, बेसिक कंपाउंड है इसके, हमने इसके अंदर बेसिफिकेशन कराई है, तो हमें स्पेक्ट्रा ऐसे मिलता है नॉर्मली। लेकिन जब हम इसके सोल्ट का देखें, ये वाला सोल्ट का स्पेक्ट्रा है, इसके अंदर जो बी वाले जो होते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और यहाँ पे ई की भी इसके साथ ही एक साथ आती है, डी और ई की। जब हम सोल्ट का देख रहे हैं, एक तो डी और ई का कोई हमें ढंग से स्पेक्ट्रा नहीं मिल रहा है क्लियरली, ए की पीक दिख रही है यहाँ पे, और वही जो बी है, ये पीक होती है हमारी HOD पीक बोलते हैं इसे हम, हाई, ये पीक इतनी वो होती है थिन, इतनी थिन होती है कि हमारा कई बार ये सिग्नल डिटेक्ट भी नहीं हो पाता है। वहीं जब हम नॉर्मल कंपाउंड ले रहे हैं, तो ये हल्की सी बी वाली क्या होती है, ब्रॉड हो जाती है पीक, जिसकी वजह से विजिबल होती है, और वहीं डी और ई की भी हमें क्या होती है, सेपरेट पीक पॉसिबल होती है दिखनी, लेकिन सोल्ट के अंदर जो कि हमें नहीं दिख रही थी। तो ये हो गया हमारा, हमने बेसिफिकेशन या एसिडिफिकेशन करा के कंपाउंड को हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसके स्पेक्ट्रा को ढंग से विजिबल कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स हम ढंग से निकाल सकते हैं, हैंस उनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक जो आती है वो हमारा सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट के अंदर हम जनरली जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं CDCl3 NMR स्पेक्ट्रा के मेजरमेंट के लिए। क्योंकि क्यों, क्योंकि ये मोस्टली सारे कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर लेता है, इजीली रिमूव कर सकते हैं हम इसे, सैंपल में से, तो इसलिए हम क्या करते हैं, CDCl3 का जनरली यूज़ करते हैं। वहीं हम दूसरे, जैसे कि एसीटोन होता है हमारा, CH3COOCOCH3 एसीटोन हो गया हमारा, ये यूज़ कर सकते हैं, DMSO
एक होता है हमारा, वो भी यूज़ कर सकते हैं, मिथेनॉल सॉल्वेंट की तरह हम काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सारे क्या होते हैं, हमारे पोलर सॉल्वेंट्स हैं। और जो हम कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, पोलर सोल्यूट होता है वो हमारा, सोल्यूट्स भी पोलर हो सकते हैं। तो ये पोलर सोल्यूट और पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, आपस में इंटरैक्शंस करते हैं। अब जब ये दोनों आपस में इंटरैक्शन करेंगे तो जो हमारा ऑब्जर्व केमिकल शिफ्ट होगा उसकी वैल्यू शिफ्ट कर जाएगी ओरिजिनल केमिकल शिफ्ट के कंपैरिजन में। अब शिफ्ट कैसा भी हो सकता है, अप फील्ड भी हो सकता है, एंड डाउन फील्ड भी हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, CDCl3 का जनरली यूज़ करते हैं NMR की मेजरमेंट के लिए। ये थी हमारी दो टेक्निक्स, एसिडिफिकेशन एंड बेसिफिकेशन। सेकंड टेक्निक थी हमारी आज के लिए सॉल्वेंट इफेक्ट। अब इसके नोट्स मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, टेलीग्राम से भी आप ले सकते हैं। मैं टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में भी पिन कर दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं मुझे, और किसी के भी नोट्स चाहिए होंगे तो। एंड डू प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, यू कैन टेल मी। और वैसे तो स्टैंडर्ड बुक बोलते हैं इसके लिए पाविया, बट और भी बहुत सारी बुक्स हैं, पाविया इज़ मच मोर ऑफ हाई लेवल, समझ भी नहीं आता। तो आप लोग जगमोहन की स्पेक्ट्रोस्कोपी भी रेफ़र कर सकते हो, पी एस कलसी की भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक्स हैं, वो भी अच्छी हैं। जगदम्बा की भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक्स हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। मैंने मेनली जगमोहन प्रेफर करी थी। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे।